नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अंदर यूपी के लिए बहुत करने का प्रयास किया है, मगर हमें इतनी सफलता नहीं मिली। हमारे यूपी की जनता को मैसेज बहुत स्पष्ट है, एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो नरेंद्र मोदी के साथ सहयोग कर आगे बढ़े। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो यूपी के लिए जो करना चाहती है वो अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा जा सकेगा। जैसे हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र में बनाई, उत्तर प्रदेश सरकार में उसका प्रीमियम ही नहीं भरा गया, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिला। जैसे यूपीए की सरकार की कंपैरिजन में हमने 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजा हर साल, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया हमने ज्यादा भेजा है। 2.5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन में खत्म हो गया, जमीन पर नहीं पहुंचा। मगर जो केंद्र की डायरेक्ट योजना थी, जैसे उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को गैस देने की योजना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख गरीब महिलाओं को गैस दिया है और आज गरीब महिलाओं की झोंपड़ी से धुएं को निकालने में हम सफल हुए, क्योंकि वो सीधा केंद्र सरकार के इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा था। अगर यहाँ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो कि यूपी सरकार है वो ठीक हो जाती है, तो हम लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं और महिला कल्याण, दलित कल्याण, पिछड़ा कल्याण, ये सारी चीजों को एक अच्छा कंसोलिडेशन कर यूपी को आगे बढ़ा सकेंगे। इसीलिए हमने हमारा चुनावी घोषणा पत्र भी इसी तरह से बनाया है। किसानों के ऋण माफ करने की बात ही, 0% पर ऋण देने की बात की है हमने, सारे यांत्रिक कत्लखानों को समाप्त कर किसानों के पशुधन को बचाने की बात की है, एंटी भू माफिया स्क्वाड बनाने की बात की, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की, एक मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स है जिसमें डेयरी भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा, मगर ये सारा इम्प्लीमेंट करना है तो ज़्यादातर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट्स।